Hey everyone, welcome back to Mind Spine Tutorial. So our today's topic is courtship and mating in monkeys. क्योंकि हमने नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसको प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में देखा था. सो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में मंकीज आते हैं, ऑफ कोर्स एप्स आते हैं. तो उसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोर्टशिप एंड मेटिंग इन मंकीज. अब कोर्टशिप एंड मेटिंग इन मंकीज में जैसे मंकीज की स्पीशीज भी अलग अलग हो सकती है, तो उनकी जो डिटेल्स होगी वो भी वहाँ पर थोड़ी सी डिफर कर सकती है. सो पहले तो हम हेडिंग ले लेते हैं कोर्टशिप एंड मेटिंग इन मंकीज. वैसे ज्यादा मतलब कहना चाहिए डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, थोड़ा इजी ही है. अगर आप नहीं चाहते कि आप एक एक मंकीज की डिटेल देखना चाहते हैं, तो आप जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है उसके भी पॉइंट्स को लेते हुए फिर उस मंकीज के कुछ पॉइंट्स को मिक्स करके अपने मैटर को वहां पर इंक्रीज भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें उसको. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले आज जिस मंकी का हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं सिल्वरी मार्मोसेट का एग्जाम्पल. एक सेकेंड. ओके, सो वी आर टेकिंग सिल्वरी सिल्वरी मार्मोसेट एग्जाम्पल. मार्मोसेट. अब क्या होता है सिल्वरी मार्मोसेट, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. ये ऐसे मंकीज है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में मिलते हैं. और फिर उसके बाद जो सिल्वरी मार्मोसेट होते हैं इनमें भी दोनों मेल एंड फीमेल प्रेजेंट रहेंगे. ऑफकोर्स मेटिंग जो होती है इनमें उसमें कुछ चीजें होती है जैसे कि डिस्प्ले ऑफ कोर्टशिप होती है जिसमें दोनों ही मेंबर्स जो होते हैं यानी कि मेटिंग पेयर के जो मेंबर्स होते हैं मेल फीमेल वो एक दूसरे को फॉलो करेंगे. और दोनों ही अगर हम मेल फीमेल्स की बात करें तो वो उनके सेंट को कहीं ना कहीं मार्क करते हैं फॉरेस्ट में, जब जाके वो एक दूसरे को देख पाते हैं ढूंढ पाते हैं कि वो वहां पर प्रेजेंट है या नहीं. अब जो मेल रहता है वो फीमेल को अप्रोच करता है, फिर वहां पर काइंड ऑफ फ्लाइंग किस टाइप चीज होती है जिसको लिप स्मैकिंग कहा जाता है इनके प्रोसेस में. फीमेल क्राउचेस एंड लिप स्मैक्स एट द मेल. फिर उसके बाद मेटिंग पेयर जो रहते हैं एक दूसरे को फॉलो करेंगे बोथ विद आर्च बैक आर्म्स एंड लेग्स एक्सटेंडेड एंड रेजिंग ऑफ हेयर टेकिंग प्लेस. उसके बाद जो टंग्स रहेगी उन दोनों की दे जस्ट कॉन्टेक्ट ईच अदर, इस तरह की जो प्रोसेस रहेगी. एंड जो फाइनली मेटिंग प्रोसेस होता है वो कम्प्लीट होता है और यहाँ पर उनका कॉपुलेशन कंप्लीट होता है. तो ज्यादा सिल्वरी मार्मोसेट में यही सारे पॉइंट्स आपको अगर चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि स्कूल एंड कॉलेजेस में भी अगर देखा जाए तो इसके ऊपर असाइनमेंट्स को पूछा जाता है. तो इफ अगर आप विलिंग है असाइनमेंट्स को बनाने के लिए तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं. अब दूसरे मंकी की बात करते हैं, ये तो बात हो गई सिल्वरी मार्मोसेट की. दूसरा मंकी हमारे पास आ जाता है स्क्विरल मंकी. तो मैं हेडिंग लेती हूँ स्क्विरल मंकी. अब सुनिए इसके बारे में. स्क्विरल मंकी जो होते हैं ये अगेन साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था. तो यहाँ पर भी हम एस ए लिख लेते हैं साउथ अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म. ये दोनों टेम्पररी कोर्टिंग पेयर्स को फॉर्म करते हैं. इसमें भी कोर्टशिप और मेटिंग एक्टिविटीज देखने को मिलती है जैसे कि जब मेटिंग सीजन आएगा तो जो मेल होते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव और एक्साइटेबल हो जाते हैं और उनका मार्किंग बिहेवियर भी उस टाइम पे बढ़ जाता है एंड स्निफिंग ऑफ फीमेल्स भी वहां पर बढ़ जाता है. तो बेसिकली हो क्या रहा है स्क्विरल मंकीज में, मेल्स का जो एग्रेशन है एग्रेशन वो बढ़ जाता है कब, मेटिंग सीजन के अंदर. मेटिंग सीजन को मैं एम एस लिख लेती हूँ यहाँ पर. उसके बाद क्या होता है यहाँ कि जो साइक्लिक सेक्सुअल एक्टिविटी होती है समटाइम्स जो एकॉम्पनीट होती है जैसे कि स्वेलिंग ऑफ फीमेल जेनिटेरिया, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है. जो मेल रहता है वो ब्रांचेस जो होती है ट्रीज की उसके ऊपर जंपिंग शो करता है बैक एंड फोर्थ, और जो फीमेल पार्टनर होती है वो भी उसको फॉलो करती है, वो भी ट्रीज के ऊपर जंपिंग करना और इस तरह से मूवमेंट शो करना दिखाते हैं क्योंकि ये स्क्विरल मंकी है. फिर स्क्विरल मंकी जो रहते हैं अपने माउथ को भी ओपन करते हैं, एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फीमेल को चेस करने की कोशिश करते हैं उसकी टेल को भी. और ये सारी चीजों के बाद कॉपुलेटरी मेथड्स रहेगी. फिर उस पर रिसेप्टिव फीमेल जो रहेगी वो डिस्प्ले करेगी जेनिटेलिया प्रॉपरली है या नहीं. मेल जो रहेंगे वो भी वहाँ पर जो पूरी प्रोसेस रहती है वो शो करेंगे. फिर जो मेल रहते हैं उनका लिटिल यूरिन जो रहता है थोड़ा सा यूरिन हर जगह स्प्रिंकल करते हैं, तो एक तरह से वो वहाँ पर अपना सेंट को रिलीज कर रहे हैं. फाइनली फीमेल इनिशिएट्स माउंटिंग बाय प्रेजेंटिंग द एनोजेनाइटल पोर्शंस टू द मेल, और फिर इस तरह से पूरी तरह से वहाँ पर जो प्रोसेस होगी कॉपुलेशन की वो कंप्लीट हो सकती है. सो ये स्क्विरल मंकी की बात यहाँ पर हो जाती है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है हाउलर मंकी. तो वैसे ज्यादा इसकी डिटेल्स वैसे कोर्सेज में रहती नहीं है, पर हम लोग देख रहे हैं टॉपिक तो उसमें हम लोग सब चीजों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे. हाउलर मंकी. तो हाउलर मंकी के बारे में समझते हैं, अगेन साउथ अमेरिका का ही मंकी है. इसमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि जो मेटिंग सीजन होता है हाउलर मंकी का वो किस तरह से होता है, कौन सा टाइम स्पेशली आता है.
तो ये वाली बात को हम यहाँ पर नहीं मेंशन कर सकते। सेक्सुअली एक्टिव कोर्टिंग पेयर रहता है जो कि नंबर ऑफ आवर्स टुगेदर स्पेंड करता है अवे फ्रॉम द ग्रुप्स। फिर उसके बाद ये सारी प्रोसेस रहेगी, कॉपुलेशन मेथड रहेगी वहां पर, और इस तरह से ये हाउलर मंकीज का जो केस होता है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। एक बात और, जो हाउलर मंकीज होते हैं इनको हाउलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर ये हाउल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक अलग ही तरह की आवाज निकलती है जब प्रोड्यूस करेंगे, बोलेंगे तो एक अलग ही तरह से हाउलिंग शो करते हैं, और वो भी मेल्स जनरली शो करते हैं। और हाउलर मंकीज जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि कभी कभी बाइसेक्सुअल ग्रुप्स को भी फॉर्म करते हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और मंकी होता है जिसको कहते हैं मैक या फिर रेड फेस्ड मंकी, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जनरली शॉर्ट में इसको कहा जाता है मैक। मैक स्पेलिंग देखिए, MACAQUES, ठीक है, मैक्स। और इसका दूसरा नाम होता है रेड फेस्ड मंकी, इसका फेस जो होता है वो लाल रंग का होता है, रेड फेस्ड मंकी। इसके बारे में समझते हैं। सो कोर्टशिप एंड मेटिंग पैटर्न्स जो होते हैं रेड फेस मंकीज के, वो स्टडी किए जाते हैं बहुत सारे इथोलॉजिस्ट के थ्रू स्टडी किए गए, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जो फीमेल्स होती है जैपनीज मैक्स की, वो 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करती है। तो मैं जैपनीज मैक की बात कर रही हूँ, यहाँ लिखते हैं हम इसको, मैं बात कर रही हूँ जैपनीज मैक फीमेल्स की। फीमेल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो इनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कितने डेज की होती है, 28 डेज की होती है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन फीमेल। और फीमेल यूजुअली जो होती है कोर्टशिप शो करती हैं इसी टाइम पर, और मेटिंग सीजन जो होता है वो भी इंक्रीज कर सकता है मेल डिस्प्लेस को, सच एज शेकिंग, लिकिंग, लिपिंग टू स्विंगिंग, स्विंगिंग सॉरी सिंगिंग कह रही हूँ मैं, स्विंगिंग इधर से उधर पेड़ पर जाना, इस तरह की चीजें कोर्टिंग बिहेवियर में शो करते हैं। और जो जैपनीज मैक्स होते हैं उसमें जो यंग मेल्स होते हैं वो अपने मदर का ट्रूप बहुत पहले ही छोड़ चुके होते हैं और वो दूसरे ट्रूप में एंटर कर जाते हैं। इस तरीके से प्रोसेस देखने को मिलती है मेटिंग सीजन के टाइम पे, वो दूसरे ट्रूप में चले जाते हैं। ट्रूप्स क्या होते हैं, इनके ग्रुप्स, ये ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे मेल यंग मेल मंकीज होंगे, यंग मेल मंकीज या फिर मेल मैक कह सकती हूँ मैं, तो वो सभी क्या करते हैं, इसमें उनकी मदर भी होगी इसी वाले ग्रुप में मदर, तो इस वाले ट्रूप को, ये इनका है ट्रूप, इस ट्रूप को छोड़कर ये मंकीज दूसरे ट्रूप में चले जाते हैं जहां पर उनकी मदर जो रहेगी वो वहां पर प्रेजेंट नहीं रहेगी, वो दूसरे ट्रूप को मेटिंग सीजन के टाइम पर फॉलो कर लेते हैं या फिर ज्वाइन कर लेते हैं। इनके पॉपुलेशन में 8 से 30 माउंट्स रहेंगे विद 1 to 8 थ्रस्ट थ्रस्ट पर माउंट। फीमेल विद जो रहेगी वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, मेल भी प्रेजेंट रहेंगे, डोमिनेंट मेल्स देखने को मिलते हैं, डोमिनेंट फीमेल्स भी हो सकती है, लोअर रैंक मेल्स भी इनकी कैटेगरी में रहते हैं, लोअर रैंक फीमेल्स भी हो सकती है, हाई रैंकिंग मेल्स जो होते हैं यूजुअली वो इंटरफेयर करते हैं विद कोर्टशिप एंड मेटिंग ऑफ लोअर रैंकिंग मेल्स। लोअर रैंकिंग मेल्स क्योंकि यहाँ पर रैंक फॉलो की जाती है, जो ज्यादा स्ट्रॉगर मेल होगा उसको हाई रैंक दी जाएगी, जो थोड़ा वीक होगा उसको लो रैंक दी जाएगी, तो लो वीक सॉरी लो रेंज वाले या फिर रैंक वाले मेल्स जो होते हैं उनको यहाँ पे ट्रबल देखने को मिलती है थोड़ी बहुत। एक होते हैं बॉनेट मंकी, अब उनके बारे में बात करते हैं, तो मैं पेन चेंज करती हूँ, यहाँ लिखते हैं हम इसको बॉनेट मंकी। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं, कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा। बॉनेट मंकी साउदर्न इंडिया जो है, इंडिया के साउथ वाला पोर्शन यानी कि नीचे केरला वगैरह वाला जो पोर्शन होगा वहां पर पाए जाते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, इंडिया में पाए जाते हैं। इनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है फीमेल्स की वो 25 डेज की होती है। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड क्या बताया मैंने, 25 डेज, और जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो वो जो जनरली ब्लीडिंग प्रोसेस रहेगा वो 10 डेज का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो का दिन आप याद रखेंगे 10 डेज यहाँ पर। देर इज नो स्वेलिंग एंड नो वेजिनल डिस्चार्ज, नो कोटिंग पेयर्स फॉर्म्ड इन द बोनेट मंकी। यंग बोनेट मेल्स जो होते हैं रेयरली अपने मदर के ट्रूप को कभी लीव करते हैं, सजेस्टिंग देर इज नो देर इज मूव इन 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 ब्रीडिंग इन दी बोनेट मंकी। यहाँ पर कहीं ना कहीं इन ब्रीडिंग देखने को मिलती है, तो ये इन ब्रीडिंग प्रोसेस को फॉलो करा जाता है यहाँ पर, इन ब्रीडिंग को ये थोड़ा सा कहना चाहिए एनकरेज कर रहे हैं यहाँ पर। बोनेट मंकी की बात आते हैं पिगटेल मेक्स, तो अब मैं उसके भी एग्जाम्पल यहाँ ले लेती हूँ, पिग टेल यहाँ लिख लेते हैं इसको, पिग टेल मैक्स, क्योंकि मैक्स के नीचे है तो ज्यादा सही रहेगा यहाँ पर। पिक टेल मैक्स के बारे में समझिए, ये फार ईस्ट वाला जो पोर्शन है वहां पर रहते हैं, फार ईस्ट वाले पोर्शन में। इनके वहां पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल की वो 32 डेज की होती है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड 32 डेज हो जाता है। फीमेल जो रहती है उनकी सेक्सुअल स्किन स्वेलिंग रहती है फॉर 21 ऑफ द 32 डेज ऑफ द साइकिल। फिर उसकी जो फीमेल रहती है वो यहाँ पर कोर्टशिप शो करेगी, कॉपुलेशन शो करेगी सेवरल मेल्स के साथ। पिगटेल फीमेल जो रहती है वो जो भी मतलब पूरी प्रोसेस रहती है उसमें थोड़ा सा एक अलग ही, जो मेल फीमेल रहते हैं इनके अंदर जो मेल्स रहते हैं वो एक अलग ही तरह की हाई पिच की साउंड प्रोड्यूस करते हैं कुछ मिनट्स के लिए ड्यूरिंग दी मेटिंग प्रोसेस। तो ये पिगटेल मेक्स के बारे में हो गया। इसके बाद एक होते हैं स्टम्प टेल मैक्स, तो ये मैक्स के अंदर ही आ रहे हैं वैसे बेसिकली। तो मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ पहले, तो फिर इसको रब करेंगे। स्टम्प टेल मैक्स, फाइन। तो यहाँ लिखते हैं स्टम्प टेल मैक्स, पूरा नहीं लिख रही हूँ स्पेलिंग को, आपको स्पेलिंग आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। स्टम्प टेल मैक्स में क्या होता है, ये फार ईस्ट में रहते हैं। अगेन इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स की वो होती है 28 डेज की, 28 डेज की। फिर कोई स्वेलिंग नहीं देखने को मिलती उसकी सेक्सुअल स्किन में फीमेल के, और प्रायर टू कॉपुलेशन जो मेल रहता है वो फीमेल की टेल को रब करेगा, अप्रोच करेगा बिफोर कॉपुलेशन। कॉपुलेशन में ओनली वन माउंट रहेगा विथ मेनी थ्रस्ट एंडिंग इन इजेकुलेशन। फिर उसके बाद जो जो भी प्रोसेसेस रहती है वो है, लेकिन यहाँ पर जो स्टम्प टेल मेल्स है उनके अंदर जो सब एडल्ट्स होते हैं और जुवेनाइल मंकीज होते हैं वो ऑफन डिस्टर्ब द मेटिंग कपल्स भी देखा जाता है। अब बात आती है रीसस मंकीज की। रीसस मंकी, जिसके बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, रीसस मंकी का केस जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है। तो जब ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव, वो आरएच कहाँ से आया, इसी रीसस मंकी से आया। तो रीसस मंकी से ही हमें ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट था वो मिलता है। तो आपको ये रीसस मंकी तो पहले सुना हुआ होगा, जस्ट फॉर रिविजन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं रीसस मंकी में जो फीमेल्स की ईस्ट्रस स्टेज रहती है फीमेल रिसेप्टिविटी की जो रहेगी वो कोइंसाइड करती है विद द ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मतलब जो जब ईस्ट्रस स्टेज आएगी फीमेल्स के अंदर उसी टाइम पे उसका ओव्यूलेटरी फेज भी रहेगा। तो जो फीमेल की रिसेप्टिविटी रहती है मतलब ये ओव्यूलेटरी फेज वाला जब टाइम रहेगा फीमेल का, जब वो ओव्यूलेशन शो करेगी ओवम वहां से डिस्चार्ज होगा उसकी बॉडी से, मेल फॉलो फीमेल्स, मेल जो होंगे वो फीमेल्स को फॉलो करते हैं फॉर द कोर्टशिप एंड पेयरिंग प्रोसेस। यहाँ पर हेट्रोसेक्सुअल ग्रूमिंग भी देखने को मिलती है बिटवीन मेंबर्स ऑफ कोर्टिंग पेयर इंक्रीजेस। जो फीमेल की स्किन होती है इस टाइम पे और जो फेस होते हैं पेरिनियम जो रहेगा पोर्शन वो डार्क रेड हो जाएगा और सेक्सुअल स्किन जो होगी वो स्वेल करेगी। कॉपुलेशन इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ माउंट्स, सम ऑफ द इंक्लूड इंट्रोम्यूशन एंड पेल्विक थ्रस्ट, ये सारी प्रोसेसेस रहेगी। इवेंचुअली जो प्रोसेस आएगी वो पूरी कंप्लीट होगी कॉपुलेशन की। आफ्टर दैट वहाँ पर जो कहना चाहिए एक चीज रहती है यहाँ पर इनके पूरा केस जो रहता है रीसस मंकी का, जिसको कहते हैं चेस्टिटी बेल्ट। हम यहाँ पर नोट करते हैं उसको, चेस्टिटी बेल्ट इसका कंसेप्ट मेन है यहाँ पर समझना, उसके ऊपर फोकस करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो जो मेल रहेंगे यहाँ पर मेल फीमेल जब इनका कॉपुलेशन प्रोसेस होगा, सो जब पूरे प्रोसेस हो जाता है तो मेल जो रहता है वो एक तरह का कोएगुलेटेड प्लग जो रहता है वो इंसर्ट करता है फीमेल वेजाइना में। और ये जो कोएगुलेटेड प्लग रहता है वो वर्क करता है लाइक अ चेस्टिटी बेल्ट। ये जो प्लग रहता है इट डज नॉट अलाउ स्पर्म्स ऑफ अदर मेल्स रीसस, दूसरे मेल्स को अलाउ नहीं करेगा ये जो प्लग रहेगा कि वो जो ओवम है उसको फर्टिलाइज कर सके फीमेल रीसस मंकी के अंदर। तो ये चेस्टिटी बेल्ट रहता है, एक प्लग की तरह रहता है कोएगुलेटेड प्लग जो कि फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है आफ्टर फर्स्ट मेटिंग। ये वाली बात को आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक बात और जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि रीसस मंकीज के अंदर कभी भी इनब्रीडिंग को बढ़ावा नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर इनकी जो प्रोसेस रहेगी उसमें इनब्रीडिंग जो रहेगी वो प्रिवेंट की जाती है। इनब्रीडिंग इज प्रिवेंटेड, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। मतलब कि जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके बीच में वहाँ पर जो मेटिंग प्रोसेसेस रहेगी वो नहीं देखने को मिलेगी, प्रिवेंटेड रहती है। सो इनब्रीडिंग को यहाँ पर अवॉइड किया जाता है और यही कहीं ना कहीं रीजन बनता है एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का यहाँ पर। तो यही बातें हैं रीसस मंकी की, और भी कुछ डिटेल्स होती है लेकिन यहाँ हमें अभी पढ़ने की उससे ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर द टाइम बींग हम लोग मेन पॉइंट्स को यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। दूसरा होता है लंगूर, आपने तो पहले भी सुना होगा इसके बारे में क्योंकि ये कॉमनली कॉमन लैंग्वेज में यूज किया जाता वर्ड है। एक जो पॉइंट रहता है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर का लंगूर में, खास तौर पे जो मेल्स होते हैं वो ये रहता है कि वो अपना फूट जो क्लास्प होता है उसको यूज करना बंद कर देते हैं। वो अपने फूट क्लास्प को यूज नहीं करते जब वो माउंटिंग शो करेंगे। तो जो माउंटिंग रहेगी वो इनिशिएट की जाती है फीमेल्स के थ्रू, जो टेल को ड्रॉप करेगी टू द ग्राउंड एंड शेक्स हर हेड फ्रॉम साइड टू साइड। यहाँ पर मल्टी माउंट इजैकुलेशन देखने को मिलता है जिसको MME कहा जाता है, मल्टी माउंट इजैकुलेशन। और उसके बाद जब कॉपुलेशन प्रोसेस होती है जो सब एडल्ट रहेगी मेल के, मेल लंगूर्स के, वो इस सोसाइटी में डिस्टर्ब कर सकते हैं कॉपुलेटिंग पेयर्स। तो ये सारी चीजें हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बबून्स के बारे में। एक चीज और कि जो लंगूर्स होते हैं उनको कभी कभी ब्लैक फेस्ड मंकी भी कहा जाता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए था। ब्लैक फेज लंगूर जो होते हैं इंडिया में पॉपुलरली हनुमान लंगूर्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर, और फिर इनकी जो फीमेल्स रहती है इन्हीं लंगूर के अंदर, मैं आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ कि इंडिया के अंदर इन्हें पॉपुलरली हनुमान लंगूर्स कहा जाता है, ब्लैक फेज लंगूर्स होते हैं। और जो फीमेल्स होती है यहाँ पर, उनकी 27 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है इनका वो 2 से लेकर 4 डेज तक का हो सकता है, कोई एक्सटर्नल स्वेलिंग नहीं होती। सब ग्रुप जो होते हैं इसमें 1 मेल एंड फ्यू फीमेल्स होती है, फीमेल इनिशिएट करती है कोर्टशिप बिहेवियर को, कोर्टशिप फ्यू आवर्स तक हो सकती है, फिर मेल फॉलो करता है इनवाइटिंग फीमेल को, सेक्सुअली एक्साइटेड मेल्स एमिट रिपीटेड लो पिच्ड साउंड, लो पिच साउंड भी प्रोड्यूस करते करते हैं ये मंकीज। अब बात करते हैं बबून्स के बारे में। बबून्स की हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पर, बबून्स। अब बबून्स में क्या होता है कि अलग अलग तरह के डिफरेंट बबून्स हो सकते हैं, येलो बबून हो सकता है, हम यहाँ लिखते जाते हैं जो इसके टाइप्स हो गए। एक होता है येलो बबून, एक होता है चैकमा, फिर एक होता है ऑलिव बबून, ऑलिव, सेक्रेड बबून, इतने तरह के बबून्स हो सकते हैं। सारे बबून्स जो होते हैं अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, अफ्रीका का वर्ड याद रख लेना आप। फिर उसके बाद यहाँ जो फीमेल्स रहती है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स यहाँ पर 31 से लेकर 35 डेज की हो सकती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो इनके 3 डेज तक का हो सकता है। इनके अंदर स्वेलिंग ऑफ द सेक्सुअल स्किन देखने को मिलती है इन ऑल स्पीशीज ऑफ बबून्स, स्वेलिंग देखने को मिलेगी सेक्सुअल स्किन की सारी स्पीशीज ऑफ बबून के अंदर। ये बात हो गई। अब यहाँ पर एक चीज और, एक सेकेंड, यहाँ एक मिस्टेक हुई है, मैंने यहाँ चैकमा लिखा है, आप ई बना लेंगे, चैमा, चैमा बबून्स होते हैं, CHAEMA, ठीक है, तो स्पेलिंग को रेक्टिफाई कर लेंगे। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुनिए, जो स्टडी होती है सेक्सुअल बिहेवियर की येलो बबून्स की, उससे हमें ये रिवील हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जो येलो बबून्स होते हैं उसके अंदर, अगर अभी मैं येलो बबून्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं येलो वालों को येलो या फिर पिंक कलर से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे उसके पॉइंट्स को। तो येलो बबून्स में क्या होता है, बेसिकली 8 एडल्ट मेल्स होते हैं, 8 एडल्ट मेल्स होते हैं, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 3 लो रैंकिंग इंडिविजुअल्स होते हैं, 3 तो लो रैंक वाले इंडिविजुअल्स होते हैं ग्रुप में, 5th से लेकर 7th रैंक जो रहती है हायरार्की में, रेगुलरली फॉर्म्ड कोअलिशंस होती है 2 से लेकर 3 मेल्स की, जिससे कि वो सिंगल हाई रैंकिंग मेल्स को डिफीट कर सकते हैं। और जो 5th रैंक्ड मेल रहता है वो यहाँ पर जो 5th रैंक तक आ जाएगा मेल, यहाँ रैंकिंग रहती है बेसिकली, तो जो 5th रैंक पे आने वाला मेल रहता है उसको ऐसी इस्ट्रस फीमेल मिलती है जो कि 17 और 18 जो केसेस रहते हैं उसके पार्टनर्स के, वो सक्सीड हुए होंगे सेपरेटिंग अ हाई रैंकिंग मेल फ्रॉम अ फीमेल। तो इस तरह की प्रोसेस रहती है येलो बबून्स के अंदर। चैमा बबून्स की बात करें अगर हम, ये यहाँ पर जो बबून्स हैं उनके बारे में, सो जो मेल और फीमेल रहते हैं वो कोर्टिंग पेयर्स बनाते हैं चैमा बबून्स में। जब कोर्टशिप होगी दोनों ही एक दूसरे को फॉलो करेंगे, ग्रूमिंग बिहेवियर शो करेंगे, ग्रूम करेंगे एक दूसरे को, कॉपुलेशन में सीरीज ऑफ माउंट्स प्रेजेंट रहते हैं ईच विथ 1 of 20 थ्रस्ट। फिर उसके बाद ये सारी प्रोसेस होने के बाद जो माउंटिंग रहती है उसमें 4th क्लास प्रेजेंट रहेगा, फेशियल ग्रिमेस जो रहेगी वो देखने को मिलेगी। फीमेल हाउएवर जो रहेगी एक तरह का यहाँ पर जो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो यहाँ पर इतना खास देखने को नहीं मिलता वैसे फीमेल्स के अंदर भी। तो ये सारी प्रोसेसेस रहती है। ऑलिव बबून की बात करें तो ये चाइमा बबून से थोड़े से अलग होते हैं, ऑलिव बबून की अगर मैं बात करूँ तो चाइमा ये यानी कि ये वालों की आपने जो बात कर रही है इससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो इनमें ओनली सिंगल माउंटेन्स प्रेजेंट, एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना, और इसमें कोई ग्रीमेस प्रेजेंट नहीं होती ड्यूरिंग कॉपुलेशन, फीमेल्स डू नॉट गिव कॉपुलेशन कॉल्स, और यहाँ पर फीमेल्स जो होती है वो कॉपुलेशन कॉल्स भी नहीं देती है, यहाँ पर फीमेल कॉपुलेशन कॉल्स देती है और ऑलिव्स के अंदर फीमेल कॉपुलेशन कॉल्स नहीं प्रोवाइड करती। सेक्रेट बबून्स में क्या होता है कि एक मेल का ग्रुप होता है, एक बड़ा ग्रुप होगा जिसमें एक मेल होगा, एक मेल का ग्रुप होता है, हर मेल जो रहता है वो अपना हेरेम फॉर्म करता है, हेरेम, हेरेम एक उसके ग्रुप को ही कहा जा रहा है, उसमें बहुत सारी फीमेल्स होती है। जो मेल यहाँ पर रहेगा एक हेरेम में, एक ही मेल रहेगा, बहुत सारी फीमेल्स रहेगी, तो मेल क्या करता है उन सभी फीमेल्स के साथ कॉपुलेशन शो करेगा, रेडी फीमेल जो रहती है वो मेल्स के साथ कोर्टशिप बिहेवियर शो करेगी, और इस तरह से पूरी प्रोसेस वहाँ पर देखने को मिलती है। बबून्स ऐसे ऑर्गेनिज्म से जहाँ सेवरल पास्ट रहते हैं सेक्सुअल सक्सेस के, इन एडिशन टू सिक्योरिंग हाई मेल स्टेटस, और जो मेल्स होते हैं वो पर्टिकुलरली फीमेल्स के साथ फ्रेंडशिप भी परफॉर्म करते हैं, वहाँ फ्रेंडशिप भी रहती है उनकी, तो इस तरह की प्रोसेस रहती है जो कि एक अलग ही लेवल पर जाना होगा। अगर हम मंकी की डिटेल पढ़ेंगे तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन अभी हम फिलहाल इनके छोटे मोटे थोड़े डिफरेंसेस देखने वाले थे। तो यहाँ पर जितने मंकीज के अंदर कोर्टशिप होना चाहिए वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम लोग कोर्टशिप इन एप्स लेंगे, क्योंकि मंकीज और एप्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। आज हमने बेसिकली जितने एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, इथोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए मंकीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए थे उनको ऑलमोस्ट कवर करा है। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में वी विल बी स्टार्टिंग विद कोर्टशिप एंड एप्स, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।